हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल मास्टर दीपक टेलीकॉम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको MI का A1 लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, नो सर्विस आ रहा है, नेटवर्क सर्च करने पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा कि कौन सी IC चेंज करके हम नेटवर्क को ठीक करेंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए मेरे पास MI A1 है, जिसके अंदर नो सर्विस आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मोबाइल नेटवर्क में जा करके सर्च करेंगे हम नेटवर्क को। ये सर्च किया हमने, इसमें आ रहा है एरर वाइल सर्चिंग नेटवर्क, यानी कि कुछ भी लिस्ट नहीं आ रही है सर्च करने पे, कुछ लिस्ट नहीं आ रही है, बिल्कुल एरर आ रहा है, नो सर्विस ही आ रहा है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो आइए फ्रेंड, ठीक करते हैं हम। उसके लिए मैंने फ़ोन को डिसेंबल कर लिया है। डिसेंबल करने के बाद देखिए, बिल्कुल छिड़ा हुआ फ़ोन है। फ्रेंड, अगर इसके अंदर लिस्ट आ रही होती सर्च करने पे, तो हम इसमें एंटीना स्विच या फिर PFIC वगैरह को चेक करते हैं, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है सर्च करने पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन सी IC ख़राब हो सकती है। देखिए फ्रेंड, इसमें एक PF लग रहा है और उसके पास एक IC लग रही है। ये जो IC है, इसमें इस IC की दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो रेजिस्टेंस है, देखिए शॉर्ट बता रहा है ये, जो इसकी इस IC से सप्लाई आती है जिस रेजिस्टेंस पे, तो ये IC ख़राब है इसमें। इस IC को हम बदलेंगे। तो फ्रेंड, IC बदलने के लिए हम सबसे पहले इसकी IC को निकालेंगे। तो फ्रेंड, अब IC निकालने के बाद हमारे पास सेम दूसरा बोर्ड है, जिसमें से हम IC निकाल के अपने फ़ोन में लगाएंगे। अगर आपके पास सेम बोर्ड है तो ठीक है, नहीं तो IC मार्केट में भी मिल जाती है, आप मार्केट से ख़रीद के भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास सेम बोर्ड था, तो हमने बोर्ड में से निकाल के लगाई इसमें IC। तो फ्रेंड, ये IC हमने निकाल ली है इसकी। अब हम इसको रीबॉल करेंगे और रीबॉल करके दोबारा इसमें लगाएंगे।
फ्रेंड, ये आईसी हमारी बन चुकी है, रिबोल हो गई है हमारी आईसी। अब हम इसको लगाएंगे बोर्ड पे। आईसी बनाने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए। अब इसको बोर्ड में लगाएंगे हम। बोर्ड में लगाते टाइम इसमें कैमरे वगैरह कनेक्टर हमने निकाल लिया ताकि उस हीट से ख़राब ना हो जाए। तो फ्रेंड, आईसी लग चुकी है फ़ोन में। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको फ़ोन को पैक करके चेक करेंगे कि नेटवर्क सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब इसको हम पैक करते हैं। तो फ्रेंड, ये पैक हो चुका है।
अब ऑन करके देखते हैं नेटवर्क आया नहीं आया। ये देखिए फ्रेंड नेटवर्क आ चुका है इसमें। अभी मैं इसमें कॉल करके दिखाता हूँ आपको, कॉल कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। पहले नेटवर्क देखिए, ये देखिए अभी दिखाते हैं। ये देखिए जियो का नेटवर्क आ गया है, जियो की सिम है इसमें, जियो 4G। अब इसे कॉल करके दिखाता हूँ फ्रेंड आपको। तो फ्रेंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड ये देखिए कॉल कर दिया मैंने और ये कॉल जा रही है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? आ रही है जी। ठीक है।